हेलो दोस्तों, अनीता आज रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से टेस्टी और हेल्दी वेजिटेबल इडली। चावल से इडली बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। आज हम सूजी से इडली बनाएंगे जो बहुत ही कम समय में बन जाता है। जिसके लिए हम लेंगे 2 कटोरी सूजी, 1 कटोरी दही, थोड़ा सा स्वीट कॉर्न, थोड़ा सा हरा मटर, 1 गाजर बारीक कटा हुआ, 1 छोटा सा प्याज बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च 2 टुकड़ा में कटा हुआ, 1 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 चम्मच काला सरसों, 2 चम्मच चना दाल, 2 चम्मच सफेद तिल, कड़ी पत्ता, थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे, 1 पाउच इनो का। एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें हम सूजी डाल लेंगे। जितना हम सूजी लेंगे उसका आधा हम दही लेंगे। अगर दही खट्टा है तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, और दही एकदम ताजा है तो थोड़ा सा दही ज्यादा भी डाल सकते हैं। इसे सूखा सूजी में ही पहले मिक्स कर लेंगे, इससे गुठली गुठली नहीं रहेगा दही का, फटा फटा नहीं दिखेगा, सूजी में मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से। अब इसमें हम सारे वेजिटेबल जो काट कर रखे हैं उसे भी डाल देंगे। हरा मिर्च, अगर आप हरा मिर्च कम पसंद करते हैं तो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। सब्जी भी सब डाल देंगे, सब्जी आप अपने पसंद का ले सकते हैं, पत्ता गोभी ले सकते हैं, शिमला मिर्च भी ले सकते हैं। इसमें मेरे पास यही सब सब्जी था इसलिए हम इसे डालकर बना रहे हैं। नमक भी ले लेंगे, नमक अपने अब टेस्ट के हिसाब से लें। इसका बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर हम इतना गीला रखे हैं, इसमें पानी जितना सोक कर लेगा इसे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। जितना सोक करने के बाद अगर हमको जरूरत होगा तो पानी डालेंगे, नहीं तो इतना ही में इडली बना लेंगे। अब हम इसे ढककर छोड़ देंगे। बैटर रखे 15 मिनट हो गया है, अब इसे हम देख लेंगे कि कितना पानी इसमें सोक हुआ है। कभी कभी सूजी अलग तरह का होने से कभी सूजी ज्यादा पानी सोक करता है, कभी कम करता है। ये बैटर मेरा एकदम बहुत अच्छा से तैयार हो गया है, बस इतना ही गीला ये चाहिए, इसी तरह का कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए हमको। अब हम इसमें इनो डाल लेंगे। आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन इनो का पाउच कहीं भी मिल जाता है मार्केट में। तो आज हम बहुत इजी तरीके से बना रहे हैं इडली, इसलिए आज हम इनो यूज कर रहे हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। इनो हम तब मिलाएंगे इसमें जब हम इडली बनाना शुरू करेंगे, इससे इडली बहुत स्पंजी बनेगा। इडली स्टैंड में तेल लगाकर चिकना कर लिए हैं, इससे इडली आसानी से निकल जाता है। अब हम इडली का बैटर इसमें डाल देंगे। इस तरह से इडली बनाकर आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं। बच्चे सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं, इस तरीके से बच्चे सब्जी भी खा लेंगे पसंद से, और आप आसानी से लंच भी बनाकर दे सकते हैं बच्चों को। इसे आप सफर में भी लेकर जा सकते हैं, टेस्टी के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है। सारे इडली को इसी तरीके से हम भर के तैयार कर लेंगे। इडली स्टीमर में पहले से पानी रख लिए थे, पानी में उबाल आ गया है, अब हम इसमें इडली स्टीम होने के लिए रख लेंगे। अगर आपके पास इडली स्टैंड नहीं है तो आप कढ़ाई में पानी रख लें, उसमें कटोरी पलट लें और उसके ऊपर जाली रख दें। कटोरी में बैटर डाल के आप इडली स्टीम करके आराम से इडली बना सकते हैं। अब हम इसे ढक देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। इडली स्टीम होते 10 मिनट हो गया है, अब हम इसे चेक कर लेंगे। फूला फूला बहुत सुंदर दिख रहा है, इडली हमारा बन गया है, इसमें बैटर नहीं लग रहा है। अगर बैटर थोड़ा थोड़ा लग जाए, सब्जी लग गया इसमें थोड़ा सा, अगर लग जाए तो 2 मिनट के लिए और हम स्टीम होने देंगे। इडली को हम मीडियम फ्लेम पे स्टीम किए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। और इसे ठंडा होने देंगे 2-3 मिनट, उसके बाद इडली को हम निकालेंगे इससे। इडली हम निकाल लिए हैं, अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। एक फ्राई पैन ले लिए हैं,
इसमें 3-4 चम्मच सरसों तेल लेंगे। तेल को गर्म होने देंगे, फ्लेम हम लो रखेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, सरसों, चना दाल थोड़ा सा इसे भून लेंगे। हरी मिर्च डाल देंगे, कड़ी पत्ता भी। गैस हम बंद कर देंगे। इसे बंद करने के बाद तेल हम डालेंगे, नहीं तो तेल जल जाएगा। आप हम इसे फ्राई पैन में भून रहे हैं, आप बड़ा बर्तन कढ़ाई ले लें, आप उसमें भी डायरेक्ट इसे तड़का तैयार करके और इडली डाल के उसमें फ्राई कर सकते हैं। तिल भुन गया है, गुलाबी गुलाबी दिखने लगा है, अब हम इसमें तड़का डाल देंगे। इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इस तरीके से एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। इडली हमारा बनके तैयार है। अगर मेरा इडली का रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही नए नए रेसिपीज के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरा नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।